गुड मॉर्निंग किड, टुडे वी हैव टू स्टार्ट कंपोजिशन क्लास 3 निबंध। हम आज क्या करेंगे? निबंध गाय पर। गाय के बारे में हम सब जानते हैं और हम लोग ने आसपास अपने यहाँ गाय को देखा है। किसी कोई कोई गाय एक पालतू जानवर है जिस जो कई घरों में पाई जाती है, जो इसको लोग पालते हैं। गाय हमारी माता है, हम उनकी पूजा करते हैं गाय को सबसे। और घर में होने वाले कुछ कार्य छोटे छोटे, जैसे सबसे पहले क्या होता है, गाय को हम सबसे पहली रोटी जब हम बनाते हैं, मम्मा लोग बनाती है, तो गाय की सबसे पहली रोटी किसको, सबसे पहले चूल्हे की रोटी किसको मिलती है? गाय को। और लास्ट रोटी कुत्ते को। तो ये फिर इसी तरह से गाय को पूजनीय माना गया है। गाय की बहुत पूजा होती है, गाय हमको हर चीज़ देती है। जैसे माँ का दूध पीते हैं हम लोग, मम्मा का पीते हैं ना सब लोग, बहुत मतलब बच्चे, वैसे ही गाय हमारी और उनको माँ बोलते हैं। इसी तरह से गाय का दूध हम पीते हैं और गाय हमारी माता है। हम इस निबंध को रीड करेंगे और अपनी कॉपी में भी कंप्लीट करेंगे। गाय एक पालतू जानवर है। गाय की 2 आँखें, 2 कान, 2 सींग, 4 पैर और 1 लंबी पूंछ होती है। आप सभी ने गाय को देखा है ना, जैसे हम इंसानों, हम सबको इंसानों के भी 2 कान, 2 आँखें और बस हमारे क्या होता है, 4 पैर और 2 सींग नहीं होती हैं, बस गाय के क्या, क्योंकि गाय एक जानवर है, जैसा कि आपने इसमें पढ़ा, गाय एक जानवर है तो उनकी 2 सींग और 4 पैर होते हैं। अपनी इस लंबी पूंछ से वह मक्खियों को भगाती है, इसलिए इसके पास एक उनकी गाय जानवर की पूंछ जो रहती है उससे वो अपनी हिला हिला के अपने पीठ से पूंछ, लंबी पूंछ रहती है किसी की छोटी, वो लोग जिस जैसा शरीर लगाए बड़ी होती है तो उसकी पूंछ भी लंबी रहती है, जिससे वो अपने पूंछ से अपने मक्खी को, कीड़े मकड़े जो भी इसको कुछ भी होता है तो अपने पूंछ की सहायता से कर सकती है। गाय अनेक प्रकार की होती है, कुछ आकार में बड़ी होती हैं तो कुछ छोटी। हाँ, गाय आप देखने हो, आपने देखा होगा, सब एक साइज़ की नहीं होती हैं, कोई छोटी बड़ी, काली गोरी, कोई काली और सफ़ेद, 2 तरह की होती हैं। इसी तरह से गाय कई तरह की पाई जाती हैं, जैसे काला, सफ़ेद, भूरा। गाय हरी हरी घास, कुट्टी और भूसा खाती हैं। गाय हमें दूध देती हैं। गाय का दूध हम सब लोग पीते हैं ना, गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। गाय का दूध पीने से शरीर को शक्ति मिलती है। इसके दूध से तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। मिठाइयाँ जैसे कैसे, गाय को दूध से खोया बनता है, उसी खोए से मिठाइयाँ बनती हैं, कई तरह के रसगुल्ला, छेना और खोए की बर्फ़ी, पेड़ा, बहुत से तरह के होते हैं ना, तो गाय के दूध से हमें मिलती है, दूध से मिठाइयाँ बनती हैं। गाय का गोबर से खाद बनता है। खाद जो हम पेड़ उगाते हैं उसमें क्या है, वो खाद का प्रयोग होता है। उस खाद से हम बहुत सारे पेड़, जंगल, वन सब बनाते हैं, उसी खाद से हमको अनाज भी मिलता है। गाय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, उपयोगी जानवर है। इसे हम गौ माता भी कहते हैं, जैसा कि हमने बताया हम लोग गौ की पूजा, गाय की पूजा करते हैं और उसको गौ माता बोलते हैं। ओके चिन्हस, आपको ये कॉम्पोजिशन आई होप बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आपको इसको अच्छे से रीड करना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और इसको समझना है। ओके चिन्हस, थैंक यू।